सबको जय मसीह की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की 10 उपाधियों के बारे में। परमेश्वर को महिमा का परमेश्वर कहा जाता है। जब हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय वचन 2 को पढ़ते हैं, दूसरा परमेश्वर को धैर्य का परमेश्वर कहा जाता है। जब हम रोमियो 15 अध्याय वचन 5 को पढ़ते हैं, तीसरा परमेश्वर को आशा का परमेश्वर कहा जाता है। जब हम रोमियो 15 अध्याय वचन 13 को पढ़ते हैं, चौथा परमेश्वर को शांति का परमेश्वर कहा जाता है। जब हम रोमियो 15 अध्याय वचन 33 को पढ़ते हैं, पांचवा सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। जब हम दूसरा करिन्थियों 1 अध्याय वचन 3 को पढ़ते हैं, परमेश्वर को दया का परमेश्वर कहा जाता है। जब हम दूसरा करिन्थियों 1 अध्याय वचन 3 को पढ़ते हैं, परमेश्वर को प्रेम का परमेश्वर भी कहा जाता है। जब हम दूसरा करिन्थियों 13 अध्याय वचन 11 को पढ़ते हैं, परमेश्वर को सारे अनुग्रह का परमेश्वर कहा जाता है। जब हम पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 10 को पढ़ते हैं, परमेश्वर को सत्य का परमेश्वर कहा जाता है। जब हम व्यवस्था विवरण 32 अध्याय वचन 4 को पढ़ते हैं, परमेश्वर को सबका न्यायी परमेश्वर कहा जाता है। जब हम इब्रानियों 12 अध्याय वचन 23 को पढ़ते हैं, मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंचे। अगर आप अपना प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन को हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।